हेलो दोस्तों, मुझे एक चीज़ का तो सबसे बड़ी खुशी हो रहा है दोस्तों कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया हर टीचरों को और हर बार ट्यूटर किया, ठीक है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर किया और आप लोगों ने एक डिजिटल माध्यम से एक आंदोलन किया। इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई दोस्तों, जिससे सरकार को माथा ना क्या हुआ, नीचे झुका हुआ, ठीक है। रेल मंत्रियों एंड सरकारों ने मिलकर के बहुत सारे लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का जिंदगी तो बर्बाद किया दोस्तों, लेकिन आप लोगों ने उस पर आंदोलन किया डिजिटल के माध्यम से, जिससे आप लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर के वीडियो को शेयर किया, ट्विटर किया और भी बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया, टीचरों ने भी हेल्प मिल करके किया, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, इससे सरकार का माथा नीचे झुका है दोस्तों। मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा, वो भी आपको प्रमाण के साथ दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आप लोगों का सपोर्ट इतना रहा और आप लोगों के सपोर्ट के कारण सरकार का माथा कैसे झुका। तो चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस चैनल का नाम है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। इसमें से 31.3 लाख सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि आप लोगों को पता है, ठीक है, कि जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थे, वो हमारे, उसका निधन हो चुका था, ठीक है। तो उसमें से हमारे जो पीएम मोदी जी गए हुए थे, तो वही वीडियो इसमें से दिखाया गया जो 2 दिन पहले का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या किया, जो भी इस चैनल का मैन लीडर, मतलब मैन आदमी है, ठीक है, इस चैनल का जो भी मैन है, उसने क्या किया, इस वीडियो पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक को हटा दिया, डिसलाइक को हटा दिया, ठीक है। और ना ही तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस वीडियो का लाइक भी हटा दिया गया, अनलाइक भी हटा दिया गया, कमेंट भी हटा दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों भी ज़्यादा लाइक से ज़्यादा अनलाइक कर रहे थे, तो उसने क्या किया, लाइक और अनलाइक को हटा दिया, प्लस में कमेंट भी हटा दिया। आप सोच सकते हैं इसने कमेंट भी हटा दिया, जिससे स्टूडेंट्स लोग अपने मांग को पूरा ना कर सके, ठीक है, ताकि लोग अपने विचार को ना रख सकें। इसका यही उद्देश्य निकलता है दोस्तों कि ये बिल्कुल कतई नहीं चाहता है कि स्टूडेंट्स का भला हो, ठीक है। और इसी कारण से आप ये क्या किया, अपने वीडियो पर लाइक अनलाइक और कमेंट को हटा दिया, ठीक है। तो आपका प्रयास लगातार जारी है दोस्तों, आप अपने प्रयास को इसी तरह से करार रखें, आप बिल्कुल हार ना माने, सरकार और भी माथा नीचे झुकाएगी और वो हमारे बात मानेगी, ठीक है। हम विद्यार्थियों से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है। हम सब विद्यार्थियों एक साथ मिल करके जो कदम उठाएंगे, वो हमारा कदम सफलता की ओर कदम चुनेंगे, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि आपको हार नहीं मानना दोस्तों, 1-2 दिन आपको पढ़ाई में इन्वेस्ट हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये हम सभी छात्रों का जिंदगी का सवाल है, हम लोगों को डट कर रहना है, ठीक है।